Hello everyone. My name is Prablin, and I welcome you all to Champions of Akash. So, champion that we are going to be meeting right now is NTSE Stage Two qualified. Along with that, he wanted to be an engineer first. But how come, Nik? Let's explore. So, let's have a huge round of applause for Surya Pratap. So, Surya, how's the Josh? How's the feeling right now? You've scored this well. Very high, Josh, man.

Dad is also a doctor. Yes. तो क्या आपने आपने पापा 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 को को सोचा कि मुझे या फिर ने ने किया? और आपका experience है आकाश के साथ? तो मैंने किया थोड़ा-थोड़ा लेकिन और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है टीचर्स भी बहुत अच्छे लगे और मॉड्यूल भी बहुत ही हाई क्वालिटी है और दो तीन बुक्स एक ही मॉड्यूल नहीं दिया एन सी आर टी में बहुत ही अच्छे बुक्स लगे मुझे और ऐसे क्वेश्चन दूसरे बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको क्या लगता है कि अगर आप आकाश के साथ एनरोल नहीं होते तो शायद आपको इतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता तो आप इस तरह से परफॉर्म ना कर पाते क्या ऐसा कुछ था यस मैम ओबियसली आकाश बहुत कॉम्पिटिटिव बनाया मुझे और बुक्स और टीचर्स ने बहुत हेल्प किया और वो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है क्लास में बैठने के बाद बच्चों से बात करने के बाद भी मुझे लगा कि हाँ नीट में मुझे अच्छा आ सकता है

कभी कभार एग्ज़ाम में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी आ ही जाते हैं उसमें दो ऑप्शन फँस रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप कंक्लूजन पे कैसे आते हैं कि ये आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है या एनटीए के आंसर की के हिसाब से ये आंसर हो सकता है तो आप कंक्लूजन कैसे करते हैं जो भी क्वेश्चन ऐसे वेस्ट होते हैं नीट में वो मोस्टली एन के स्टेटमेंट बेस्ट होते हैं कुछ एन में कहीं लिख दिया होगा वही पूछ दिया होगा जो बच्चों को लगेगा कि हाँ गलत है लेकिन एन के हिसाब से ठीक है तो आपको एन पूरा रट्टा मानना पड़ेगा अगर सब क्वेश्चन ठीक करना चाहते हैं तो मेरा भी दो तीन क्वेश्चन वहीं से गलत हुए, से गलत तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा नहीं तो गलत होगा ही तो उनका कैसा रिएक्शन था क्या वो सिचुएशन आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे वो तो पहले से जानते थे डॉक्टर ही बनूंगा अगर मैं बोलता बनूंगा तो वो फोर्स ही करते

जो सपने देखे थे काफी देर पहले वो आज साकार हो रहा है तो नो डाउट आई एम वेरी प्राउड सो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपने मेक श्योर किया कि इसको बेस्ट मिले है ना uh, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है दिस नीट प्रिपरेशन का इसमें जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स है उनको क्या क्या आप टिप्स देना चाहोगे और क्या क्या बताना चाहोगे कि प्लीज ये गलती तो मत करना जो विद टाइम आपने शायद सीखी हो कि मुझे ये करना चाहिए था ये नहीं करना चाहिए था तो मैं यही बोलूँगा कि इलेवेंथ में बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो गेम खेलते हैं टी देखते हैं तो वो थोड़ा अवॉइड करो क्योंकि मैं वो बहुत ज़्यादा करता था इलेवेंथ में तो वो थोड़ा अवॉइड करो और डिसिप्लिन रेगुलरिटी और कंसंट्रेशन वही सब जो नॉर्मल चीज़ें करनी चाहिए वो मैं कभी कभी वो सब में थोड़ा चुक जाता था लेकिन वो अगर अभी से आप लोग शुरू करोगे इलेवेंथ से तो नीट ओबियसली आपका अच्छा होगा well that you've heard it from a champion of akash that how can you be a future champion and on that note i would like to thank you so much for taking out time congratulations and thank you so much for being thank with us on the show